ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सेहत और जिंदगी हेल्थ शो में। और अब रुक करते हैं रसोई की ओर। रसोई सेगमेंट में आज बताएंगे हेल्दी डिश के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है मिसेस सोनल गौर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक मजेदार रेसिपी। चलिए देखते हैं क्या है उस रेसिपी का नाम। आज की रेसिपी का नाम है ग्रिल्ड वेजी पास्ता सैलड। सैलड तो आमतौर पे हम सब लोग घर पे सभी खाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं तो हर कोई यही सलाह देता है कि खूब सारा सलाद खाया करो। कई पेशेंट्स कई बार आके मेरे पास कंप्लेन भी करते हैं कि मैडम रोज़ रोज़ वही सलाद हमसे नहीं खाया जाता, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा हम बोरिंग सैलड को नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज ग्रिल्ड वेजी पास्ता सैलड बनाना। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शिमला मिर्च, रेड वाली, ऑरेंज वाली, येलो वाली, आप चाहें तो ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टमाटो, ककड़ी, आप लोग चाहें तो खीरा भी यूज़ कर सकते हैं या और कोई भी सीजनल सब्जी जैसे कि मटर है, बीन्स हैं, कुछ भी आप लोग जो भी आपको पसंद है कोई सी भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम सब चीज़ों को चॉप करेंगे। आप चाहें तो इसे लंबा लंबा स्लाइस कर सकते हैं या चौकोर स्लाइस कर सकते हैं या फिर बारीक बारीक पीसेस में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ। ये एक बहुत ही कलरफुल और डिलीशियस रेसिपी है। ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जो आपके बोरिंग सैलड को और मज़ेदार बना देगी। अब हम काटेंगे येलो वाली शिमला मिर्च। मैंने दोनों इसलिए यूज़ किए हैं ताकि ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये ऑलमोस्ट हमारी दोनों शिमला मिर्च चॉप हो चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब हम लेंगे टमाटर। ये सारी वेजिटेबल्स खूब सारे विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है जो आपके इस बोरिंग सैलड में एक नया ही टेस्ट डाल देंगी। अब हम चॉप करेंगे ककड़ी। इसे मैं गोल गोल काट रही हूँ। ये पानी से भरपूर और आपका वजन कम करने में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। हमारी ये सारी वेजिटेबल्स लगभग चॉप हो चुकी हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सॉटेड करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी हमने सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, अब हम इसको थोड़ा सा सॉटेड करेंगे। सबसे पहले हम लोग पैन गरम करेंगे। उसमें हम यूज कर रहे हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1-1 करके हम सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। टमाटो हम सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि वो ज्यादा मशी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल लग रहा है, खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। हमें इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और धीरे धीरे करके इसको स्टिर करेंगे। अब हम इसमें ककड़ी ऐड करेंगे।
अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, हल्के हाथों से इसे सॉटेड करते रहिए, इन्हें हमें जलाना नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सॉटेड हो गई हैं। चलिए अब हम तैयार करते हैं इसके लिए सैलेड ड्रेसिंग। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आमतौर पे लोगों का ऐसा मानना है कि ऑलिव ऑयल जो है कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है, जबकि बींग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा मानना ये है, मेरी आपकी एडवाइस है आपके लिए कि आप ऑलिव ऑयल को सैलड ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ करें। इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड रेशियो का, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच वाइट सफ़ेद सिरका। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, इसके लिए अब हम स्लाइस करेंगे 1 नींबू। आप इन सब चीजों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें स्क्वीज करेंगे 1/2 लेमन। इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक का रस निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज और ली है, पास्ता, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। इसको आप 8 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी के अंदर नमक और तेल डाल के बॉईल कर सकते हैं, ताकि ये चिपचिपा ना रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टिकी नहीं है, ये इसीलिए स्टिकी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला था बॉईल करते समय। अब लेंगे हम एक बोल जिसमें हमें टॉस करना है इन सभी चीज़ों को। इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं पास्ता। आप पास्ता की जगह पे मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं अपने किड्स के लिए, इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ की हैं आप उसके अलावा और सीजनल वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दी। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। इट्स वेरी वेरी कलरफुल, स्पेशली किड्स के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम इसके अंदर सैलेड ड्रेसिंग ऐड करेंगे, जो कि हमने आपके सामने अभी बना के रखी थी। मैं इसमें ऑलमोस्ट 2 टीस्पून ड्रेसिंग ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से इसको थोड़ा सा वैरी कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से टॉस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये बोरिंग से सैलेड और ज़्यादा अट्रैक्टिव डिलीशियस यमी बन गया है। तो हमारा ये ग्रिल्ड वेजी पास्ता सैलेड तैयार है। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपने जाना इस हेल्दी डिश को घर पर
कैसे आप खुद तैयार कर सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे सेहत की नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे।